दोस्तों, आपने छोटे मोटे कीड़ों को अपने आसपास घूमते हुए तो जरूर देखा होगा और इन छोटे कीड़ों को देखने के बाद आप ये सोचते होंगे कि ये कीड़े हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आप सबकी ये सोच बिल्कुल ही गलत है। दुनिया भर में एक्सीडेंट से इतने ज्यादा लोग नहीं मरते जितने ज्यादा ये कीड़ों के काटने से मर जाते हैं। ये कीड़े देखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इनका दिया हुआ जहम इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये जरा से वक्त में किसी की भी जान ले सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि इस कीड़े के डंक मारने के बाद आपको मालूम भी नहीं होता, लेकिन जब आपको मालूम होता है तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि इन कीड़ों का जहर तब तक आपके जिस्म में असर दिखा चुका होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुनिया के चंद खतरनाक कीड़ों के बारे में। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नंबर 5, ब्राउन रेस्क्यू स्पाइडर। दोस्तों, इस मकड़ी का साइज तकरीबन 1 रुपए के सिक्के के बराबर है, लेकिन इस मकड़ी का चेहरा दूसरी मकड़ियों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसा कि इस मकड़ी के मुंह में एलोटीन नाम का जहर पाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसके साथ साथ इस मकड़ी के बारे में एक बात कही जाती है कि इस मकड़ी का जहर रेड स्नेक के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इस मकड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मकड़ी जिसको भी एक बार काट लेती है उसके अंदर एक बार में ज्यादा मकदार का जहर नहीं छोड़ती। लेकिन अगर यही मकड़ी एक इंसान या जानवर को बार बार काट ले तो उसकी मौत भी वाकया हो सकती है। इस मकड़ी के काटने से इंसान के अंदर कमजोरी होती है और इसके साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और इंसान के अंदर मौजूद तमाम टिश्यू सेल्स भी बर्बाद होने लग जाते हैं। नंबर 4, किसिंग बग। दोस्तों, इस बग का नाम जितना ज्यादा रोमांटिक है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसे किसिंग बग का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मुख्तलिफ जानवरों का खून चूसता है। इसकी एक अहम वजह ये भी है कि जब भी ये जानवर किसी पर हमला करता है तो ये सिर्फ उसके होंठों पर ही काटता है। ऐसा शायद ये इसलिए करते हैं कि जिस्म पर डंग मारना और खून चूसना इनके लिए मुश्किल है। ये किसिंग बग सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं चूसते बल्कि ये उनके अंदर पैरासिट भी ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे इंसान की बीमारी में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। यहाँ तक कि इंसान मरने के मराहिल पर भी पहुँच जाते हैं। नंबर 3, फ्लीज। दोस्तों, ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि सिर्फ खून पीकर ही जिंदा रह सकता है। ये भले आपको देखने में छोटा क्यों ही ना लगता हो, लेकिन ये फ्लेक्स जैसी बीमारियों को फैलाने वाला कीड़ा है जिसकी वजह से यूरोप में कुछ साल पहले 25 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, यानी कि उस वक्त 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इंसानों की कीमती जाने चले गई। ये फ्लीज अपनी जिंदगी एक जानवर के जरिए ट्रांसफर करके दूसरे जानवर के जरिए ही जिंदा रह सकते हैं। इसी के साथ साथ ये मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म देते हैं। इस जानवर के शिकार में कुत्ते, बिल्ली और मुख्तलिफ किस्म के जानवर और इसी के साथ साथ इंसान भी शामिल होते हैं। नंबर 2, जॉइंट हॉर्न्स। एशिया में पाए जाने वाले इंसेक्ट में से ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट होते हैं। ये तकरीबन हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ले सकते हैं, क्योंकि इस इंसेक्ट के अंदर वही जहर पाया जाता है जो कि सांप के अंदर मौजूद है, जिसे न्यूरोक्स जहर के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी जानवर या इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। अगर बात की जाए इसके खाने की तो इसको अपने से छोटे इंसेक्ट खाना पसंद है। मधुमक्खियों के घर में घुसते ही ये इंसेक्ट अचानक से हमला कर देते हैं। देखते ही देखते ये इंसेक्ट हजारों मक्खियों को आसानी से मौत के घाट उतार देता है। नंबर 1, बुलेट आंट। दोस्तों, ये चींटी दुनिया के सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है। यही वजह है कि इस चींटी को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा जानवर है जिससे कई मीलों दूर रहने में ही आप सबकी भलाई है, लेकिन अगर गलती से भी इस चींटी ने आपको काट लिया तो वहीं पर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस चींटी के अंदर एक खास किस्म का जहर पाया जाता है जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस चींटी के काटने से आज तक किसी की मौत वाकया नहीं हुई, लेकिन इसका जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसका काटा हुआ आपको एक बंदूक की गोली के बराबर महसूस होगा। यही वजह है कि इस चींटी को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।